यहाँ पर वीडियो में बनाते हैं सर। अब ठीक है ठीक है, अब मैंने जितना भी बोला आप सुन लीजिए। ओ भाई साहब, ये तो यार गजब सीन हो गया हमारे साथ में। चलो भाई बच्चा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 25th of October और दिवाली का नेक्स्ट डे, यानी कि आज के टाइम पे परेवा है और आज ही सूर्य ग्रहण भी लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आज ही होनी है। तो और आज ही मैं सोच रहा था कि एक छोटी सी राइड भी प्लान करी जाए और हम निकल रहे हैं यहाँ से नेपाल के लिए। देखो ये छोटी सी राइड है और नेपाल में हम लोग जा रहे हैं परमानेंटली के लिए, मतलब नेपाल हम लोग प्रॉपर राइड कर रहे हैं या छोटी सी राइड है या कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन आइडिया होगा और बहुत ही जल्द आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल MT मदर, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। रेडी हो जाते हैं उसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों को। सो, मैं हो चुका हूँ रेडी अभी और यहाँ से निकलना है और टाइम हो रहा है करीब करीब 12:30 PM का और एक बंदा ऑलरेडी पहुँचने वाला है, जैसा कि मैंने बताया था एक बंदा ऑलरेडी पहुँचने वाला है और एक बंदा मिलेगा मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर और फिर तीनों लोग मिलके हम लोग नेपाल एंटर करेंगे और कहाँ से कैसे क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। लेकिन एक चीज़ और, मेरे हेलमेट में माइक का इशू आ रहा था और उसमें वॉइस अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे फिक्स कर लिया है क्योंकि दिवाली की वजह से मार्केट बंद है और कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने लखनऊ में भी पता किया, जो लखनऊ से यहाँ पे बंदा आ रहा है मैंने उससे पूछा भी था कि भाई ये दुकान है शॉप है आप पूछ लो जाके, अगर हो तो ले आओ। वो गया भी लेकिन दुकान बंद थी दिवाली की वजह से। बस अभी बस कल यही सीन है कि उसको फिक्स कर दिया है कैसे भी करके। मिलते हैं आप लोगों को सीधा बाइक के पास में क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ही ज़्यादा, तो मिलते हैं सीधा बाइक के पास। तो भैया जी, डायरेक्ट हम मिल चुके हैं आप लोगों को गोप्रो के ऊपर। एक छोटी सी राइड है, नेपाल इंटर करेंगे। अब आगे का प्लान कहाँ क्या कैसे बनेगा वो नेपाल पहुँच के बताएंगे आप लोगों को कि वहाँ पे रुकना है या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी बहुत ही जल्दी। राइड की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव। तुम्हें कॉल लगा रहे थे भाई साहब, अरे तंतनाते हम तुमने पलिया अड्डा बताया था, पलिया अड्डा यही है वो पुराने वाला, वो तुमने वहाँ पे खड़े हो गए। हाँ बस अपना मस्त हो बाबा। भाई दिवाली का टाइम है, पूरी रोड खाली है, आपकी रोड है, आप कहाँ जैसे भगाइए भाई, आपके शहर में अब आप ही ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो क्या किया जाए बताइए, चले निकला जाए? तो चलो चालू करते, चलो आगे कहीं ढाबे वाबे पे रुकते हैं और तुमको चाय वाय पिला देते हैं। अब लखनऊ से आए हो तुम, थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह कराए देते हैं। तो ये हैं हरीश भाई और आप लोगों को, आप लोगों ने अगर हीरो डेट बाइक चैलेंज वगैरह ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। और ये भाई साहब हमें मिले थे लखनऊ में और लखनऊ से फिर हमको मिले फरीदाबाद में और वहाँ से फिर हम अच्छी सी दोस्ती हुई और इंसान अच्छा तो सब कुछ अच्छा और छोटी सी एक राइड प्लान हुई है और नेपाल निकलने के लिए। अब देखते हैं, हमारे पास में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अपना एक छोटा सा बैग ले लिया है और वो भाई साहब आ चुके हैं तो हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। आज के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा मोटो व्लॉगिंग और बहुत सारी चीज़ें, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी और आराम से चलेंगे। ज़्यादा कोई डिस्टेंस है नहीं, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, विद इन 2 hours के अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं उसको। और अभी टाइम हो रहा है करीब 12:53, यानी कि 1 बज रहा है और बहुत ही जल्द हम क्रॉस करेंगे नेपाल बॉर्डर को। सो हमारी धन्नो का पेट है फुल, धन्नो की सर्विसिंग भी हो चुकी है, सारी चीज़ें डन, इसीलिए धन्नो हमारी मस्त नाच रही है रोड के ऊपर। दिवाली के बाद में आप लोगों को काम नहीं करना है भाई, जब तक ड्यूज नहीं हो जाती है परेवा मनाएंगे। काम कोई था नहीं, सारा काम दिवाली से पहले निपटा दिया। अब आज का दिन खाली था, सोचा टाइम पास किया जाए। टाइम पास करने के लिए हमारे पास में एक अस्त्र शस्त्र हमारे पास में रहता है, हमारी धन्नो, और धन्नो को लेके हम कहीं भी जा सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप घर पे भी रहोगे तो घर पे कुछ करोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करोगे।
तो भाई साहब हम बाहर रह के कुछ ना कुछ कर लेंगे, उसमें क्या है। तो जी पहले हमारा प्लान बना था शारदा नगर जाने का, शारदा नगर हम जाएंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे पलिया और पलिया से फिर गौरीफंटा, गौरीफंटा से फिर हम निकलेंगे आगे नेपाल बॉर्डर की तरफ। खैर अभी लखीमपुर से निकले हुए कुछ टाइम ही हुआ था और एक चाय के साथ में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो हमारे साथ में बंदा है हरीश भाई, एक मिनट। तो ये हरीश भाई, और जिनको नहीं पता है तो हीरो डेट बाइक चैलेंज वाला एक ब्लॉग देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। इनको बोलने का ज़्यादा मन रहता है हमेशा। हेलो गाइस, हाय। अभी हम लोग फिलहाल मधुर भाई के पास हम आए हैं और ये हम लोग को हमको ले जा रहे हैं घुमाने भाई अपना एरिया में, पूरा इलाका इनका जो है वहाँ पे सारी चीज़ सैर करा के फिलहाल हम लोग टिक्की और चाय के साथ चाय खा रहे हैं, सुस्कियों के ले रहे हैं। और बहुत शानदार टिक्की है जहाँ पे रोकी है, बहुत देसी एकदम भट्टी है, बेहतरीन चाय है। कभी आइए तो पिलाएंगे आप लोग को ज़रूर। तो भाई साहब वही बात कुछ ऐसी है कि ये इन्होंने तो ज्वाइन कर लिया है, अब यहाँ से 40 या 50 किलोमीटर दूर अभी एक बंदा और है वो भी ज्वाइन करेगा और फिर हम लोग तीनों लोग निकलेंगे आगे। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को गोप्रो भी पता चलती रहेंगी, या तो तीनों लोग मिलके जब मिलेंगे तब सारी चीज़ें बता देंगे। बाकी एक चीज़ तो ये होता है कि यहाँ से बॉर्डर तक तो जाना है और उसके आगे वहाँ रुकना है या नहीं रुकना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे बता देंगे। तो प्लीज़ देखो, तब तक हम चाय की चुस्किया लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में गोप्रो पे। एक्चुअली दिवाली का टाइम है तो ज़्यादा दुकानें वगैरह खुली नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा था और हम अब निकल रहे हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है भीरा और वहाँ पे एक तीसरे बंदे का वेट करेंगे। हो सकता है कि वो पहुँच जाए तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे, चाय नाश्ता कर लेंगे और फिर आगे पहुँचेंगे फिर। तो अपनी आज की जो मंजिल है वो नेपाल का बॉर्डर है और हो सकता है कि हम नेपाल में इंटर कर जाएं, हो सकता है कि नेपाल में हम लोग इंटर कर भी ना पाएं। जो भी चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगी। लखीमपुर से जो नेपाल का बॉर्डर है, जो गौरीफंटा वाला बॉर्डर है, वो है करीब 120 किलोमीटर। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमें एक तीसरा बंदा मिलेगा और हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर हम लोग तीनों लोग मिलके हम लोग फिर पहुँचेंगे कहाँ पे, एक बॉर्डर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। अपने मोबाइल पे हम थोड़ा सा गाने वगैरह लगा लेते हैं वरना रूट जो है 120 किलोमीटर का बोरिंग लगने लगेगा, तो वो थोड़ा सा हमें चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए ना बाबा। तो देखो जी गाने भी लग चुके हैं, थोड़ा सा रूट को, थोड़ा सा जो अपनी जर्नी को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट से भरी हुई अपनी जर्नी बनाएंगे और तभी फिर मज़ा आता है, वरना फिर मज़ा ही क्या है, वरना फिर सादी सादी रोड है, चलती जाओ। हेलमेट पे अपने परानी का इंटरकॉम लगा हुआ है, ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्टेड है, मज़ा आता है उसे गाने सुनते सुनते, हौले हौले आप चलते चले जाओ, बस इन लोगों से बच के रहना भाई। बीच रोड पे रोक देंगे फिर पता ही नहीं चलता ये कहाँ जाएंगे। तो एक ये भाई साहब है देखो, भूतनी के मर जाओगे बे। मज़ा आ रहा है, छोटी सी राइड है, दो बज चुका है और अभी तक 50 किलोमीटर हमने कवर नहीं किया, बताइए ये कोई बात होती है, पैसा कैसे चलेगा भाई। वो क्या बोलते हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, तो ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र चल रहा है अभी। पलिया पहुंचने वाले हैं, पलिया अराउंड 9 किलोमीटर के आसपास बचा होगा और ओए तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग हो रही है क्यों, गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। उत्तरी जो शारदा नदी है उसके आसपास का एरिया है, इसी वजह से ये रोड मतलब जितनी बार भी बनाई जाती है उतनी बार ये खराब ही होता है और इस रोड पे पानी चलता है घुटनों तक, बहुत ही तगड़ा ये मतलब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, इसी वजह से गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं भाई साहब। तो हम लोग तीसरे बंदे का वेट कर रहे थे वीरा में और वो उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे पलिया की तरफ और वहाँ पे 5 मिनट का 10 मिनट का और वेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि मनी कैश है नहीं और कैश अगर नहीं होगा तो फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो जी एक्सिस बैंक का ATM मिल गया, यहाँ पे पैसे मिल गए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सीन ये था कि इन्होंने दिल से ओपन किया था,
इसलिए मिल गए, वरना तो नहीं मिलते। और अभी तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि हम दो लोग हैं और दो ही लोग हम लोग चलेंगे। इसके आगे तीसरा बंदा पता नहीं है नहीं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा और आई थिंक कि वो जाएगा नहीं, इसीलिए फिर हम सीधा बढ़ते रहेंगे गौरी फंटा की तरफ और देखते हैं कि क्या सीन आगे होता है। भैया गौरी फंटा वाला रूट कौन सा है? बॉर्डर वाला? बॉर्डर वाला, हाँ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भैया। आप ब्लॉगर हो? बिल्कुल भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हैं भाई, हम लखीमपुर के रहने वाले जी। तो बात कुछ ऐसी है कि हम जो बता रहे थे वो है ये कि भाई साहब 40 मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं और वैसे भी हम आराम आराम से चल रहे थे कि तीसरा वाला बंदा आराम से पहुंच जाए, हम लोग वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट तक हम लोगों ने वेट किया, उसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अभी 3:30 बज रहा है और पहुंचने में और ज़्यादा लेट हो जाएगा, 1 घंटा मान के चलो अभी और लगेगा। तो देखते हैं कैसे क्या सीन बनता है। यहाँ पे भाई साहब बहुत ही आराम से चलने वाला है क्योंकि यहाँ पे बंदर कुत्ते भाई साहब बहुत ही ज़्यादा है। नहीं नहीं, यहाँ पे बंदर ही ज़्यादा है, कुत्ते नो भाई। बच्चा आराम से बेटा, आराम से बच्चों, बंदरों के बच्चों। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, ये है यहाँ से चालू हो जाता है वेलकम टू दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, और ये एक ब्रिज है। यहाँ पे नीचे आप लोगों को मगरमच्छ वगैरह देखते रहते हैं और सामने दुधवा का नेशनल पार्क है और यहाँ पे आगे गेट चालू हो जाता है और उसके अंदर जाके आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह भी बने हुए हैं। सो फिलहाल आज का जो हमारा टाइम है वो हम स्पेंड करने वाले हैं बॉर्डर के इलाके में। अब अगर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को टाइम मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क के अंदर जाने का, और अगर मिलता तो हम लोग ज़रूर जाते, लेकिन फ़िलहाल अभी सीधा हम लोग रुख करेंगे। कहाँ की तरफ हम लोग रुख करेंगे? सीधा बॉर्डर की तरफ, और यहाँ से मुश्किल से मुश्किल होगा करीब 20 से 30 किलोमीटर के आसपास। मज़े कर रहे हैं भाई साहब, और ये जो इलाका है बंदरों से घिरा हुआ और जंगल का इलाका है तो इसलिए आराम से लिखा हुआ है, आराम से चलेंगे क्योंकि लिखा हुआ है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, गति सीमा यानी कि स्पीड लिमिट आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए और उतना चलाएं जितना आप कंट्रोल कर सकें क्योंकि जंगल का इलाका है, कोई भी किसी भी जानवर को किसी भी तरीके से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे हॉर्न वगैरह का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सो यहाँ पे आ चुका है दुधवा नेशनल पार्क का गेट और आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं सीधा अंदर और जा सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क और उसको आप इंजॉय कर सकते हैं जंगल सफारी। हम यहाँ से सीधा निकलेंगे चंदन चौकी होते हुए गौरी फंटा और उसके बाद फिर धनगढ़ी, और धनगढ़ी एक जगह है जहाँ पे जो कि बॉर्डर इलाके से अंदर नेपाल के अंदर वो पड़ जाता है। अब हम लोगों को इंटर करने दिया जाता है या नहीं करने दिया जाता है वो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन जंगल के अंदर चल रहे हैं तो यहाँ पे ठंडक भी लग रही है अच्छी खासी और अच्छा लग रहा है यहाँ पे माहौल, ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा है। जिंदगी प्यार का गीत है, दिल दो गाना पड़ेगा। ठंडक लग रही है बेटे, इशारा कर रहा है भैया ठंडक लग रही है। अच्छा हाँ, वाइजर खोल लेता हूँ तो ठंडी ठंडी हवा जो है आँखों में भी लगेगी। क्या बात है भैया, क्या बात है, वाइजर खोल लो तो ठंडी ठंडी हवा आँखों में भी लगती है यार, मज़ा अच्छा लगता है। Lows. That's like these days. World changed, love, he on lockdown. Phone call three ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way. बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है और यहाँ पे लग रहा है टाइम, और
एक चीज़ ये थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है, हो सकता है कि हम लोग लेट पहुंच रहे हैं, कि एंट्री ना भी मिले, और क्योंकि वहाँ पे घूमने में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केट ही है, और वहाँ पे घूमने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, इसलिए जो बॉर्डर पे मिलिट्री है वो एंटर करने भी ना दे। जो कुछ भी होगा वो सारी चीज़ें पता चलेंगी भाई साहब, लेकिन वो ऑफ रोडिंग बहुत ही तगड़ी हो रही है। और मैं बता दूं कि लखीमपुर में रहते हुए भी मैं इस रोड पे, मतलब इस बॉर्डर पे मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार, फर्स्ट टाइम लगता है कि हम लोग पहुँच चुके हैं अपना बॉर्डर इलाके पे, और मुझे लगता नहीं है कि बाइक को एंट्री मिलेगी। अगर मिल गई तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मिली तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया कि पैदल जाना पड़ेगा, और अगर पैदल जाना पड़ा तो फिर हमें जो है पैदल अगर जाना पड़ता है तो फिर हमें टाइम खोटी हो जाएगी, बस खाली और कुछ नहीं है। जी सर, लखीमपुर, हाँ, ये धनगढ़ी, हाँ धनगढ़ी जाके फिर वापस आ जाएंगे। भी एंट्री होगी, चलो करा देते हैं। कुछ लगेगा क्या, आधार कार्ड वगैरह? डीएल लगेगा। ओके ओके। तो भाई साहब हम एंटर कर चुके हैं नेपाल, और यहाँ पे अब आगे देखते हैं कि धनगढ़ी एंटर करने के लिए, धनगढ़ी जाने के लिए भंसार वगैरह कटवाना पड़ेगा या क्या है चक्कर। इधर आराम से आपका महेंद्र नगर भी लगता है, और इधर आपका लगता है धनगढ़ी, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। अब क्या चक्कर है, कैसे है, वो थोड़ा आगे पहुँच के ही पता चलेगा जब ये पुल क्रॉस हो जाएगा। भाई साहब कहाँ रह गए, देख तो यार तुम गायब ही रह जाते हो। और यहाँ पे आप लोगों को मगरमच्छ वगैरह भी देखने को मिलेगा अगर आप आते हो बरसात वरसात के टाइम पे। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। सर ये धनगढ़ी जाने के लिए भंसार वगैरह बनवाना पड़ेगा क्या? कितने दिन का? अभी 1 घंटे का, 1 घंटा के लिए वो सुविधा, हाँ सुविधा बनाना पड़ेगा, सुविधा बनवाना पड़ेगा। कैसे बनेगा वो? यहाँ पे कैलाली भंसार कार्यालय। ओके ठीक है। सो यहाँ पे ट्रैक्टर 400, 500, 700, ओह कार, जीप, बस, टू व्हीलर, देखते हैं, लेट्स सी क्या है सीन। सर एक परमिट चाहिए था 1 घंटे का। इधर क्या देना होगा? आरसी और डीएल। आरसी और डीएल। यूट्यूब चैनल है, ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब चैनल है। आरसी और डीएल चाहिए, देखते हैं क्या है चक्कर। भाई साहब इतना डर जाते हैं भाई, भाई हटना, आरसी डीएल निकालो। आरसी डीएल चाहिए बाबा। ओ भाई चूहे, भाई मैंने तो देखा भी नहीं। ओ भाई साहब ये तो यार गजब सीन हो गया हमारे साथ में। पेपर देखो बच्चे, पेपर बच्चे वो बात अलग की है, उसको छोड़ो। सर इनसे पूछ रहे, ओ भाई गजब हो गया ये तो सीन। इधर नेपाल के अंदर घुसे। तो देखो यार मैं पहुंच चुका हूँ अभी नेपाल के बॉर्डर पे। अपना जो एलएमपी वाला बॉर्डर होता है, जो इंडिया का बॉर्डर है, वो तो क्रॉस करके नेपाल वाले बॉर्डर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जो नो मैंस लैंड होता है, उस नो मैंस लैंड को क्रॉस करके हम लोग पहुंच चुके हैं नेपाल वाले बॉर्डर के पास में। ये सामने यहाँ पे ये बॉर्डर दिख रहा है ये, और सीन कुछ अभी ऐसा हो गया कि भाई जो हमारी बाइक के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं गाड़ी के, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपका नहीं बना रहे, आपका नहीं बना रहे,
जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं, नेपाल की जो पुलिस है वो कह रही है कि भाई इतना यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, बट मैं कह रहा हूँ ये आपका नहीं बना रहे, तो यहाँ पे जो भी मेरे बाइक के जो कागजात जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक RC और सारी चीज़ें, वो हमारी डिग्गी मतलब गद्दी के नीचे ही रखे होते हैं। और दिखा देता हूँ सीन, ये कुछ इस तरीके का सीन है जिस पे चूहों ने हालत ख़राब करके रख दी है। और जब बाइक की सर्विसिंग हुई थी तब भी मैंने देखा नहीं था, और अभी ये ऐसा सीन कुछ हो चुका है। और जो कागज़ दिखाऊं तो कागज़ हैं ऐसे इस तरीके से भाई। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी ये कागज़ हैं RC वगैरह, ये सब कागज जितना भी प्रिंटेड है वो बचा हुआ है, बाकी कॉर्नर जितने भी हैं वो सारे चले गए। तो ये सीन है भाई। तो बस खाली बात कुछ यही है कि अब देखना ये कि इन का जो भी, तो ये पेपर बचे हुए हैं मेरे पास में, अब इन पेपर्स को देखते हुए मुझे परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और अभी ये थोड़ा सा व्लॉग लंबा भी हो गया, और यहाँ तक का जो हम लोग पहुँचे हुए हैं, अभी देखते हैं कि हम लोग एंट्री हम लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी, बाकी ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आप लोगों को नेक्स्ट वाले व्लॉग में। करंट स्टेटस के लिए, करंट अपडेट के लिए आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। बाकी आप लोगों को मैं मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल। सर आप ठीक है आप, मैंने जितना भी बोला आप सुन लीजिए, आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे पास सुनिए। वहाँ पर हमारे यहाँ पर CC कैमरा है सारे। अच्छा, इसलिए वो देखेगा, वो कैमरा बना लेगा तो फोन आदमी को हम पूछेगा ना। नहीं, हम खाली जब ये बाइक में हुआ ना वो मैं दिखा रहा था। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर CC कैमरा है ना, इसलिए मत। ठीक है, चलो कोई नहीं। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।